तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की जिंदगी बताई और आयशा फरमाने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रात का वक्त था, चांद की तरफ इशारा किया और फरमाया, आयशा इससे पनाह मांगा करो। इशारा था चांद से रात की तरफ, इसलिए कि चांद तो रात को निकलता है, रात को ही नजर आता है। इशारा था कि रात के अंधेरों से पनाह मांगा करो, इसलिए कि रात को शयातीन फैल जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को मसनून दुआएं सिखाया करते थे, शाम की मसनून दुआएं, सुबह की मसनून दुआएं। और खास तौर पे आयशा फरमाने लगी, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक यहूदी ने जादू किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जादू के तोड़ के लिए कुरान की 11 आयतें उतारी, कुल औद बिरब्बिल फलक कुल औद बिरब्बिन नास, ये 11 आयतें उतारी, जिससे आपके ऊपर जादू के असरात जो थे वो खत्म हुए। तो फिर तो आपका मामूल बन गया कि जब रात को बिस्तर पे जाते, और हमारा भी ये मामूल बन गया, जब तक आप दुनिया में रहे आपने इस मामूल पे अमल किया, और हमने आपके बाद जब तक हम जिंदा रहे हमने इस मामूल पे अमल किया कि रात को जब बिस्तर पे जाते तो इन 11 आयतों को पढ़ते और अपने हाथों पर फूंक लेते और फिर इसको अपने पूरे जिस्म पे मल लेते, फिर ऐसे ही करते 3 मर्तबा हमारा ये अमल करना हमारी जिंदगी भर का मामूल बन गया। और इन 11 आयतों में हर किस्म के शर से, फितने से, हासिस से, जादू के असरात से पनाह मांगी गई है कि अल्लाह मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों को ये आमाल सिखाया करते थे। और भाई अगर आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मसनून जिंदगी न सिखाई तो फिर क्या होगा, कभी उस बाबा के पास जाएंगी, कभी उस बाबा के पास जाएंगी, कभी उस आमिल के पास जाएंगी, कभी उस बाबा के पास जाएंगी, बाबों ही के चक्कर लगाते रहेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरत जिंदगी दी है, मसनून दुआएं, जो ताकत अल्लाह के नबी की मसनून दुआओं में है दुनिया के किसी वजीफे में नहीं।